चंडीगढ़ में महिलाओं का कॉन्फिडेंस लो होता है, ऐसा मेरा सोचना है कि जो अपना सोच होती है, जो महिलाएं करना चाहती है घूंघट के पीछे वो कर ही नहीं पाती है। घूंघट उनके कॉन्फिडेंस को लो करता है, उनके आत्मविश्वास पर प्रभाव डालता है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर घूंघट नहीं होगा तो महिलाएं अपनी इच्छा से वो अपने सपने पूरे कर पाएंगी, अपनी इच्छा से वो अपना जीवन जी पाएगी, वो कुछ कर पाएगी अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर रूढ़िवादी के बीच में हम जकड़े हुए हैं, हम अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम अपना आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। मैंने जब स्कूल टाइम में थी तभी से मेरा सपना था कि मैं अपने गांव के लिए कुछ ऐसा काम करूं कि अपना मेरा गांव जो है स्मार्ट विलेज बने। BSc पास आउट होने के बाद जब मैं गाँव में आई और ग्राम पंचायत इलेक्शन आए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सरपंच का चुनाव लड़के जो मेरा सपना है अपने गांव को स्मार्ट विलेज बनाने का, उसको पूरा करूं। यहाँ जब मैं गांव में बचपन से देखते आ रही हूँ कि जो महिलाएं हैं गांव की वो काफ़ी रूढ़िवादी जीवन जीती हैं, जो अंधविश्वास कुछ को प्रथाएँ बना दी गई हैं उनमें जीती हैं, तो उनको बाहर लाने के लिए जो मेरा प्रयास सरपंच बनने के बाद में हुआ, उसमें पहला था घूंघट प्रथा। और घूंघट प्रथा के बारे में मैंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और पिछले 5 साल में घूंघट यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है, महिलाएं काफ़ी कम घूंघट निकालती हैं। जो पुरानी महिलाएं वो कुछ घूंघट ले रही हैं, नई बहुएं जो आ रही हैं उनको घूंघट नहीं है। यहाँ की महिलाओं में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं उनको उनके अधिकार कर्तव्य उनके क्या कर सकती हैं ये सारी चीज़ें मैं उनको समझाती हूँ। मैंने महिलाओं में ये विश्वास दिलाया है कि वो भी अब हमारे देश और समाज का हिस्सा है और वो भी इस देश के लिए समाज के लिए कुछ कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। अपने गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए यहाँ पे जब मैं सरपंच बनी थी तब पानी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, नलजल नहीं थे, बोरवेल नहीं चल रहे थे, उन पानी की मैंने व्यवस्था की है। साथ में यहाँ पे शौचालय भी बहुत कम बने हुए थे। जब मैं सरपंच बनी उसके बाद मैंने कम से कम 200 शौचालय गांव में बनवाए हैं। अच्छा, इन्होंने भी बहुत काम किया है हमारे गांव में, जब से सरपंच बने, जब से नल वल की सुविधा हो गई और भी बहुत से काम करवाए। पहले सरपंच को तो हमने कभी देखा ही नहीं था, अभी तक भी नहीं देखा उनको, तो वो पूर्व सरपंच रह चुके हैं। इन्होंने तो बहुत काम किया हमारे गाँव में, के कारण तरक्की भी हुई है। पर कुछ लोग ऐसे हैं गांव में कि कुछ करने नहीं देते। महिला अपराध, वैसे तो हमारे गांव में महिलाओं का अपराध बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ परिवार के बीच में अगर कोई इशू बनते भी हैं तो हम उनको बैठ के सॉल्व करते हैं और यहाँ की सास बहू बेटियाँ सभी समान रूप से रहती हैं।